मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर शहर ग्रामीण पिपराइस तथा चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल लगभग 575 करोड़ रुपए की लागत की 35 परियोजनाएं, जिसमें 14 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है उसे समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। गौरतलब है कि लोकार्पित परियोजनाओं में शहीद स्मारक चौरी चौरा के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यकरण का कार्य, गोरखपुर महाराजगंज निश्लौल मार्ग झुंगिया चुंगी से फर्टिलाइजर गेट तक मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़करण व नव निर्माण कार्य, जिला चिकित्सालय में MRI मशीन की स्थापना के लिए अतिरिक्त कक्ष भवन का निर्माण, जिला महिला चिकित्सालय में OT उच्चरीकरण मॉड्यूलर OT की स्थापना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सुदृढ़करण का कार्य, BRD मेडिकल कॉलेज में वार्ड संख्या 1, 2, 4, 8 एवं ट्रॉमा सेंटर का जीर्णोद्वार व रेनोवेशन के कार्य, AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज परिसर में इंटरलॉकिंग एवं क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य, रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण की योजना, राजकीय उद्यान के बाउंड्री वाल जीर्णोद्वार प्रथम चरण में 540 मीटर एवं कर्मचारियों हेतु Type 2 आवास का कार्य, संकेत राजकीय मुखबधिर विद्यालय छात्रावास एवं आवासीय भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर, राजकीय कृषि बीज भंडार महेवा चुंगी से मलौली बंधा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़करण का कार्य तथा मंडलीय कारागार गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण एवं पर्यटन विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ सभी को प्राप्त होगा। विकास हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास हम सब के लिए जीवन में परिवर्तन लाने के साथ रोजगार सृजन एवं अनेक संभावनाओं को लाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए विकास एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंधों की मरम्मत एवं अन्य बाढ़ बचाव संबंधी कार्यों को माह जनवरी से 15 मई तक पूर्ण कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या का समाधान किया जा रहा है। आवागमन की दृष्टि से गोरखपुर को अन्य महानगरों से कनेक्टिविटी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण व कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इस कार्य में दुकानदारों व्यापारियों को थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन कार्य संपन्न होने के पश्चात आवागमन में काफी सुविधा होगी, क्योंकि सड़कों के चौड़ीकरण से ईंधन समय आदि की बचत होगी। चौड़ीकरण के पश्चात शहर की जाम की समस्या का समाधान भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में मेट्रो भी लाया जाएगा। जेल रोड बाईपास एक नया वैकल्पिक मार्ग दे रहा है, विकास की प्रक्रिया को जोड़ने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला एक अभिव्यक्ति होती है और रोजगार का माध्यम होता है। इसमें साहित्यकार सामान्य कलाकार जुड़ता है और जनपद इस रूप में तैयार हो रहा है। दृष्टिकोण सकारात्मक रचनात्मक होगा तो विकास को गति मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना काल खंड में बेहतर प्रबंधन कर कोरोना पर नियंत्रण पाया गया है। देश प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सदर सांसद रवि किशन, विधायक सदर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, पिपराइच महेंद्र पाल सिंह, चौरी चौरा संगीता यादव ने स्वागत उद्बोधन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद एवं अन्य जनप्रतिनिधि के साथ मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, ईशान सिंह ऐश्वर्य, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होता हुआ हम हर्षित हैं इस आकांक्षा के साथ कि स्वर्ण रश्मिया बांध की उषा प्राची द्वार में केसर खोल रहा है सूरज अभिनंदन की नवल घड़ी है। नव वर्ष के इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का स्वागत, समस्त माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कर्तव्य परायण अहर्नि सेवारत प्रशासन संबंध अनुरोध है ईश्वर के चरणों में। आज 2 महीने बाद मैं पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हूँ और इस मंच से अगर मैं अपने मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ का उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट न करूं तो शायद ये उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। आप जानते हैं मैं कोरोना से पीड़ित था और जिस क्षण माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी प्रशासनिक टीम को, चाहे वो लखनऊ में थी या गोरखपुर में थी, इस बात के लिए निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न होने पाए। मैं मेदांता पहुंचा, मेरे पहुंचने के पहले माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश वहां पहुंच चुके थे और बिस्तर न होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से हमारे इलाज की व्यवस्था हो चुकी थी। गोरखपुर के जिलाधिकारी और गोरखपुर के प्रशासन ने हमारे परिवार के गुड़गांव में रहने की एक निजी व्यवस्था भी कर दी थी। कोई आर्थिक खर्च भी मुझको वहन नहीं करना पड़ा। मुझे इस बात को मंच पे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ये माननीय मुख्यमंत्री की सदाशयता के प्रति अन्याय होगा। भाई अजय सिंह जी जो माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, लगातार इस बात की चिंता कर रहे थे कि मेरे इलाज में क्या समस्याएं आ रही। एक नागरिक के रूप में, योगी आदित्यनाथ के सिपाही के रूप में, गोरखपुर के विधायक के रूप में, मैं ये सारे बातों पर बात करने के पहले योगी जी को अपने परिवार की ओर से इस सार्वजनिक शुक्रोक्ति के माध्यम से हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र को जितना चमकाया है, शायद ही उतना कोई मुख्यमंत्री कभी भी चमका पाया। हमारे सांसद जी रविकिशन जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नगर विधायक जी ने लंबी विकास की फेहरिस्त इस मंच के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी है। अभी बहुत कम दी। अभी हमारे महापौर जी हैं जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हमारे पिपराइज के बड़े भाई महनपाल सिंह विधायक जी मंजा सिंह हैं, सबका स्वागत करते हैं। साथियों, अभी बौद्ध संग्रहालय में जीर्णोद्धार का उसका कार्य हुआ है। हमारे क्षेत्र में मूक बधिर विद्यालय है बसंतपुर में, वहां पर महाराज जी की कृपा से छात्रों के लिए नए हॉस्टल का निर्माण हुआ, उसका शुभारंभ हुआ है। पूज्य महाराज जी दो दिन से गोरखपुर को बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। साथियों, इसके लिए पूज्य महाराज जी को आप सभी के तरफ से ढेर सारी बधाई देंगे। साथियों, अपनी भी थोड़ी बता दें, अभी 7 तारीख को नगर विधायक के एडमिट हुए थे तो हमारे पर भी कुछ ऐसा लगा कि हमको भी कोरोना हो गया। रात में 12:30 बजे हम पीजीआई पहुंचे। इतनी अच्छी व्यवस्था साथियों, जिसकी हम किसी तरह कल्पना नहीं करते थे। हम तो विधायक थे, लेकिन एक आम आदमी भी अगर पीजीआई में गया है साथियों, उसका 1 रुपया खर्च नहीं है। आज मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से महाराज जी का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं, इसलिए कि महाराज जी जब जब गोरखपुर में आते हैं, आपने अभी पेपर में देखा होगा 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम महाराज जी के हाथों संपन्न हुआ है। हम सब धन्य हैं कि इस तरह का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है। मैंने पहले भी कहा था, न भूतों न भविष्य, कि इस तरह का जो मुख्यमंत्री हमें उत्तर प्रदेश को मिला है, कि जो सब समान रूप से सबको एक साथ लेकर के, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एक सूत्र में बांध करके सभी समाज को एक साथ लेकर के उन्होंने जो कार्य किया था आज के समाज के लिए, वही मैं महाराज जी में देखता हूं कि महाराज जी स्वयं उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अंश हैं और हम सब महाराज जी का सत सत हम सब नमन करते हैं। हम धन्य हैं कि हम पिपराइज में विधायक हुए महाराज जी की कृपा से, और आज पिपराइज की चीनी मिल 1 महीने से चल रही है। मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक पैदा ही नहीं हुआ कि जो
वर्तमान समय में जो चीनी मिल चल रही हो उसका एक पैसा गन्ना के किसानों का बकाया न हो, किसी भी किसानों का जो वर्तमान में हमारे वहां पेराइसों पर चला एक महीने में जो गन्ने की 8 लाख क्विंटल के मूल्य का भुगतान महाराज जी ने 100% महाराज जी ने भुगतान किया, जो पिपराई चीनी मिल पहले सपा और बसपा की सरकारों ने बंद कर दिया था उसे चला करके आपका ये मुंडरमा यानी जो भी काम असंभव था सारे कामों को महाराज जी ने संभव किया। रामगढ़ ताल की परियोजनाएं जो अधूरी थी उन सारी परियोजनाओं को महाराज जी के इन्हीं गोरखपुर में आप लोगों के सामने सारी परियोजनाएं पूरी होती हुई दिखाई देखा है। तो माननीय विधायक विपिन सिंह जी का आवाज हर चौक तक चल गया। हमारे विधायक माननीय राधा मोहन जी एकदम करुणा से एकदम पाताल से निकल के बोले लगे कुल काम दिनों आए लगे आज यह बात देखा यह सत्य का खेला यह जानब बहुत जरूरी है कि निस्वार्थ त्यागी और सत्य का चाहिए हो महाराज जी के कबो सोचने पड़ा। 2022 में बन रहा है मुख्यमंत्री यह भी आप लोग टिकट ले लीजिए कारण कि ये कैसे वरदान को मालूम पड़ गई काल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का वो बयान आई बड़ा गौर से सुनिया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का क्या बोले जब आदमी विचलित हो जाता है और आ जाता है हार दिखने लगता है कि मैं 22 में फिर हार रहा हूं और पूरी तरह हार रहा हूं तब क्या बोलता है बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगा है ये क्या है 13,000 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी महाराज जी के वजह से 13,000 एक्टिव केसेस कोरोना के हैं 1% मौत रेट है 1% 135 करोड़ की आबादी 24 करोड़ उत्तर प्रदेश लंदन लॉकडाउन के तरफ चला गया यूरोप लॉकडाउन के तरफ अमेरिका लॉकडाउन के तरफ उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश है। कोविड की रोज 11 बजे सुबह महाराज जी की मीटिंग एवरी डे सबको लगता था रोज भी बैठ जाना 11 बजे काहे को वही मंथन चिंतन निरंतर चिंतन अपने राज्य के लिए अपने लोगों के लिए कि कैसे बचाऊं मैं कैसे मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूं कैसे बचाऊं अपने लोगों को कैसे कुछ हो ना इंसेफ्लाइटिस हो या हर चीज हो क्योंकि ये आंदोलन किए कुंठित रहे दूसरी सरकारों में इनको दबाया गया इनको जेल में डाला गया इनको पीड़ित किया गया अनगिनत साल। अब जब मौका मिला तो इन्होंने सोचा मैं सब कुछ लौटाऊंगा इसी जनता को इसी गोरखपुर को इसी पूर्वांचल को इसी उत्तर प्रदेश को और ये लौटा रहे हैं जो आपने दिया ये लौटा रहे हैं इसीलिए त्यागी हैं का चाहिए वंशवाद नहीं परिवार नहीं कबो कबो हम सोची ना कि पिता को अग्नि देने नहीं गए कोई है एक व्यक्ति जो अपने पिता की अग्नि में नहीं देखो बात बहुत गहरी है कभी आज तक नहीं कोई नंबर वन मुख्यमंत्री दिया मजाक नहीं ये सब बहुत गहरी सोच है दूरदृष्टि फिल्म सिटी पार्लियामेंट में मैं आप लोग मेरी आवाज सुनते हो मैं लड़ता हूं डिबेट करता हूं क्योंकि सब बोलते हैं महाराज जी की कुर्सी से आए हो तो मैं पढ़ने लगता हूं सामने ओवैसी बैठा है सामने वो थरूर बैठा है सब विद्वान एक से विद्वान बैरिस्टर लोग हैं वहां पे हमको सब कलाकार पहले समझे थे तब हम पढ़ने लगे आज महाराज जी माफ के बोला थे पार्लियामेंट में बहुत पढ़ी ला ऐसे नहीं कि बना देगा चल गया तब बेइज्जती ना करवाई कि आप उतना महाराज के चले गए कल हमको सब वही नोचता है महाराज जी जैसी तब हमको बोलना पड़ता है हर मुद्दे पर बोलता हूँ महाराज जी सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाला आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का सांसद नंबर वन हूँ इस वक्त जी माननीय विधायक जी आपके जन्म भी बहुत जरूरी है
महाराज जी ऐसे ना लिए ना, बड़ा ठोक बजा के लिया मैंने सर, बड़ा ठोक बजा के लिया, खड़ा रहेगा सेवा कर महाराज जी के नाम पे कबो दाग ना लगे दे। शिलान्यास कार्यक्रम बटन दबा करके करें। हम सब अति हर्षित हैं आज की इस धरा पर विभिन्न प्रकार के लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। इस लोकार्पण कार्यक्रम में शहीद स्मारक चौरी चौरा, राज्य सड़क निधि योजना से गोरखपुर महाराजगंज निचला मार्ग का लोकार्पण, लोकार्पण जिला चिकित्सालय गोरखपुर में MRI मशीन की स्थापना के लिए अतिरिक्त कमरे की स्थापना का, साथ ही जिलों से विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। धर्म और नियम के सामंजस्य से पूरित एक निस्वार्थ सेवक समाज के जनपद गोरखपुर के विभिन्न परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, पुष्पतन जैन जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, रंजय सिंह जी, आनंद साही जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिंदी वाहिनी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर महानगर पिपराइज, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों को उनके प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको इस नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए और जैसे कि मंच पर अभी हमारे माननीय सांसद और सभी विधायकों ने भी, महापौर जी ने भी विकास के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर एक बार फिर से दोहराया है। ये विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा, रोजगार का सृजन करेगा, ये विकास अनेक प्रकार की संभावनाओं को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के अंदर अन्य मामलों में पिछड़ गया था, ये विकास के कार्य ही उसे फिर से देश के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा करेगा और विकास की प्रक्रिया हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह और उन्हें एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस दृष्टि से लगभग 625 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं, कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है, इन सब की परियोजनाओं को आप सबको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने चौरी चौरा के जो शहीद स्मारक है उसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया है। याद करिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई। देश के स्वाधीनता आंदोलन को
इस घटना ने एक नई दिशा दी थी। चौरी चौरा की माननीय विधायक ने यहाँ पर अभी अपनी बात भी रखी और मैंने प्रशासन से भी इस बारे में कहा, अभी से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। मंच जो यहाँ पर हमारे दो दो सांसद हैं, चार विधायक यहाँ मौजूद हैं और भी जिले के सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, ये सभी लोग मिलकर के यहाँ के भी, प्रदेश के भी, शासन स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी अभी से कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। आगामी एक वर्ष तक के कार्यक्रम किस रूप में हमें ले जाने हैं, जो चौरी चौरा को फिर से उसका महत्व, क्योंकि उस कालखंड में देश के लिए लड़ने वाले कौन लोग थे, उन लोगों के प्रति हम श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। और इसीलिए चौरी चौरा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उस कार्यक्रम को वहां पर शहीद स्मारक के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आज समर्पित करते हुए भी मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये कार्यक्रम तो हम लोग वहां पे कर ही रहे हैं और भी वहां के भी परियोजनाओं को हम आगे लेकर के जाएंगे। ये सभी कार्य इसलिए क्योंकि जिससे लोगों के जीवन में इस बात का एहसास हो सके कि देश की आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई। यह देश अगर जागरूक रहता तो गुलामी नहीं होता, लेकिन जब गुलाम हुआ तो आजादी प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी, और फिर से कोई ऐसी स्थिति ना पैदा होने पाए कि हमें विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता पड़े। इस विषय अभी से हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश का आह्वान इसी बात को लेकर के करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में इस देश को दी है, ये उसी भारत की है जिसके इस देश के क्रांतिकारी अपने आप को समर्पित किए थे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, ये उसी भाव को लेकर आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। और आज चौरी चौरा शहीद स्मारक के कार्यक्रम का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ बाढ़ की परियोजनाओं का भी यहाँ पर एक साथ कुछ परियोजनाओं को लिया गया है। बाढ़ की स्थिति कितनी विभिन्न यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, जब मैं आया था तब 40 जिले ऐसे थे जो अति संवेदनशील थे, यानी संवेदनशील थे, कुछ 75 जनपद में से 40 जनपद ऐसे थे और व्यापक रूप से जनधन की हानि होती थी, कई लोग मरते थे, फसलें डूबती थी, गांव के गांव बह जाते थे। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने बाढ़ की समस्या को इतना नियंत्रित किया, कहीं पे नदियों को चैनलाइज किया, कहीं पे जो कार्य होने थे ठोस कार्य हो, केवल बरसात के समय कार्य नहीं होंगे, कार्य जो भी होने जनवरी से प्रारंभ हो जाए और 15 मई तक उन कार्य को संपन्न करके आप दिखाइए, जिससे बाढ़ आने के पहले ही बाढ़ से बाढ़ रोकने की पूरी कार्य योजना हमारे भाग हो जाए। जल जमाव की समस्या का समाधान जो सिटी के लिए भी एक चुनौती थी, आज तरकुवानी में बड़ा रेगुलेटर बन रहा है जिससे अस्थाई समाधान न केवल घोड़ावार ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की बल्कि महानगर की भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। पिपराइस को इससे राहत मिलेगी, चौरी चौरा को इससे राहत मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम उसके से। और आवागमन के साधन की तो इस प्रकार की स्थिति, गोरखपुर के अंदर आज कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, लखनऊ की कनेक्टिविटी, नेपाल की कनेक्टिविटी, इतनी चौड़ी सड़कें, नगर के अंदर भी ये कार्यक्रम इसलिए हो सकता है। गोरखपुर के अंदर सड़क चौड़ी होने से कुछ व्यापारियों को तात्कालिक रूप से परेशानी हुई, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ उन्हें सुरक्षित रूप से पुनर्वास करने के साथ साथ इन सड़कों का चौड़ीकरण, आवागमन जितना फास्ट होगा विकास उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इन सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर रहे हैं, एक जेल रोड बाईपास का 4 लेन के रूप में इसको बनाने जा रहे हैं, बदरमा से लेकर के मोहनपुर तक 4 लेन का बाईपास बनेगा पूरा। पूरी समस्या का समाधान, शहर की जाम की समस्या का समाधान समाप्त। आप देख रहे होंगे मोहनपुर से धर्मशाला बाजार होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कोड़िया तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आगामी 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे 4 लेन में जब बदलेगा कहीं भी जाम नहीं लगेगा, कहीं भी जाम नहीं। अब हम अभी से व्यवस्था कर रहे हैं, हम जब भविष्य में गोरखपुर में मेट्रो लेकर के आएंगे उस समय इस 4 लेन में बिना टच के भी मेट्रो भी बीच बीच में मेट्रो के पिलर दे देकर के हम लोग मेट्रो का काम भी चला देंगे। गोरखपुर की जनता को परेशानी भी नहीं होगी और मेट्रो भी गोरखपुर में आसानी से आ जाएगी। जेल रोड बाईपास एक नया वैकल्पिक मार्ग आपको दे रहा है सिटी के अंदर की समस्या को पूरी तरह समाधान करने और मौसम से पैडले गंज भी 6 लेन के मार्ग के लिए तोर के चौड़ीकरण की तैयारी हो रही है जिससे मौसम से लेकर के यहां तक भी कोई जाम की समस्या ना होने पाए। आपने देखा होगा महवा से लेकर के तरकुरानी का जो मार्ग है, मुझे याद है जब 2009 में पहली बार सांसद बना था वो सिंगल लेन का था, फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा बढ़ा करके 7 मीटर चौड़ा किया और आज ये उससे भी चौड़ा मार्ग बन रहा है, एकदम हाईवे जैसा मार्ग गोरखपुर सिटी को सुरक्षा बाढ़ से भी सुरक्षित करने के लिए और पूरे कोराबार विकास खंड और गोरखपुर ग्रामीण के आवागमन को बहुत फास्ट करने विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे ही झुंगिया से लेकर के फर्टिलाइजर के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को भी इसके साथ किया जा रहा है। यानी कार्यक्रम कहीं पे लोकार्पण, कहीं पे शिलान्यास, कहीं चिकित्सालय की व्यवस्था, कहीं पर अन्य केंद्रों की स्थापना का कार्य, ये अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किए जा रहे हैं। अभी सीताराम जी कह रहे थे कि मैं बुढ़िया माई के दर्शन करने के लिए गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा अच्छा बनाने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं और यही तो इसी के लिए तो जनता हम लोगों को चुनके भेजती है। जनता को इसीलिए चुनती है जनता को हम सुविधा दे सके बना सके। हम रवि किशन जी को इसीलिए चुने हैं जिससे वे विकास की प्रक्रिया के साथ सिटी को जोड़ सके और आवश्यकता पड़ती है तो सीताराम जायसवाल जी को लेकर के फिल्मों का निर्माण भी कर सके। भाई रामगढ़ ताल का उपयोग हमारे लिए पर्यटन के लिए हो सकता है लेकिन अब रवि किशन जी जाएंगे तो उन्होंने फिल्मों में काम किया वो देखेंगे फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक अच्छा स्थान ये है और आज आ रहे हैं उन्होंने कोरोना कालखंड में तमाम वेब सीरीज यहां से बनाई और उसके माध्यम से गोरखपुर की पहचान देने का कार्य किया। कला एक अभिव्यक्ति होती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंदर की, हर एक के अंदर नहीं हो सकती लेकिन उस अभिव्यक्ति को किस रूप में प्रस्तुत करना है जो लोगों के मनोरंजन का भी और लोगों के ज्ञान वर्धन का माध्यम भी बने और केवल एक कला कला नहीं होती है, ये रोजगार का भी माध्यम होता है। कितने लोग रोजगार इससे प्राप्त करते हैं, कैमरामैन से लेकर के स्क्रिप्ट लिखने वाले तक, यानी इसमें साहित्यकार भी जुड़ता है, इसके साथ सामान्य कलाकार भी जुड़ता है, अन्य तमाम प्रकार की बड़ी टीम उसके साथ जुड़ती है और तब ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोरखपुर उस रूप में आज अपने आप को तैयार कर रहा है। हर प्रकार के लोग जब राजनीति में जाएंगे तो विकास की इस प्रक्रिया के साथ एक एक लोग को देखेंगे, देखने का दृष्टिकोण जिसका जैसे होगा वो उसको उस रूप में देखेगा लेकिन जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा रचनात्मक होगा तो हर एक जगह से कुछ न कुछ निकाल करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य आज किया जा रहा है जिसे आज हम गोरखपुर की जनता को समर्पित करते मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे मंदिरों के पुनरुद्धार के पिछली बार हम लोग आए थे तो कोरोना कालखंड के पहले हम लोगों ने यहाँ पे मोदीपुर गुरुद्वारा और जटाशंकर गुरुद्वारा के कुछ विकास कार्यों को जोड़ा था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मंदिरों के कार्यक्रमों को, सूरज कुंड का मंदिर है, मानसरोवर का मंदिर है या फिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, इन सभी मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्य को, सुंदरीकरण के कार्य को लिया था और आज तो चित्रगुप्त मंदिर को भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है और गीता गार्डन को भी इसके साथ जोड़ा है। ये प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, हर एक जगह हम लोग जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है और आस्था के साथ साथ
यहाँ पर तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को एक नया मंच देने के लिए भी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। प्रश्न ये होता भाइयों बहनों, ये सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी। तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था, तब समाज का कोई तबका संतुष्ट भी नहीं था, पैसा उतना ही खर्च होता था। और आज जब नगर विधायक जी कह रहे थे या ग्रामीण विधायक जी कह रहे थे कि कोरोना कालखंड के दौरान चूंकि दोनों हमारे विधायक कोरोना से पीड़ित थे, संक्रमित थे, और उन्होंने चिकित्सीय सुविधा और व्यवस्था को देखा, अब आश्चर्य करेंगे हम लोग अब तक 573,000 लोगों को स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं और सभी को फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई पदाधिकारी अगर है तो वह उसको हम कोई अलग सुविधा दे रहे हो एक सामान्य नागरिक को अलग, नहीं। कोविड हॉस्पिटल में वीवीआईपी वीआईपी या सामान्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन सुविधा सबको और सभी मुफ्त की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तत्परता के साथ कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया ने, अलग अलग तबके ने जिस स्फूर्ति के साथ काम किया, आपदा प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने किया है। और आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। वो कारण से एक कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के लिए दुनिया ने उनके इस प्रबंधन के नेतृत्व की क्षमता को स्वीकारा। कल आपने देखा होगा प्रदीप सिंह कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पर उन्हें दिया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के दो वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज इसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उन्हें देता हूं। कार्य करने की सोच होनी चाहिए और हमें कैसा गोरखपुर चाहिए भाइयों बहनों, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये गोरखपुर महानगर हमारा है, गोरखपुर जनपद हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है और ये देश हमारा है। और ये भाव जब हमारे मन में होगा, ये भावनात्मक लगाव जब हमारे मन में होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में होगा, ये सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है। और ये मानने की बात नहीं, बाढ़ के लिए या आयुष विश्वविद्यालय के लिए या एम्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए या सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या 4,00,000 नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी हम देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में
काफी बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावना आगे लेकर के हम चल रहे हैं। ये एक प्रयास के परिणाम है, ये प्रयास का परिणाम है, अन्यथा जो लटकाने और भटकाने की प्रवृत्ति थी देश के अंदर, आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुनता था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके, ये है तो बड़ा। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है, अब यदि कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, तो यही तो पहले कहते थे कार सेवा के समय, हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वह आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे, और जब हर एक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं अब फिर वही राग लापने का कार्य कर रहे हैं कि पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लगे हैं राम तो सबके हैं, भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा उन लोगों को बनी रहे। और वे लोग भारत के लिए भी उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन एक ताकत थी, इस ताकत ने इतने बड़े सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की सोच को जो आज इस देश ने दुनिया को दिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कोरोना काल में जैसे एक परिवार भाव के साथ कार्य करती हुई दिखाई गई, वो सबके सामने है, आपने इसको महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक, हजारों हमारे बच्चे, कोई कोटा में पढ़ रहा था, कोई प्रयागराज में था, कोई बेंगलुरु में था, कोई मुंबई में था, कोई चेन्नई में था, कोई दुनिया के अलग अलग देशों में थे, मेरे पास रोज फोन आते थे और गोरखपुर से ज्यादा आते थे, कोई कहता था कि हमारा जो कोई कहता था मेरे बच्चे, कोई पहले तो कोटा की बात है, हमने परिवार निगम की बसें भेजी, सभी बच्चों को वापस घर तक पहुंचा दिया, फिर प्रयागराज की बात आई हमने उनको भी पहुंचा दिया, फिर बेंगलोर की बात आई हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने ट्रेन उपलब्ध कराई, उन बच्चों को सुरक्षित हम वापस लेके आ गए, चेन्नई से लेके आ गए, मुंबई से लेके आ गए, लेकिन बाद में डिमांड होने लग गई कि मास्को में भी फंसे हैं, न्यूयॉर्क में फंसे हैं, इंग्लैंड में फंसे हैं, और मैं कह सकता हूं दावे के साथ भारत सरकार की मदद से एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को उसके घर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सक्षम है, सुरक्षित पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की। ये किसकी ताकत है? ये सब आपकी ताकत है। इस ताकत ने हमें एक नया उत्साह उमंग दिया, हम जिससे जो आह्वान करते थे, फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग उसका पालन करते थे, हम कहते थे कि भाई यहां पे इस आयोजन में भीड़ नहीं होनी, लोग उसमें उसका पालन करते थे, हम लोग कहते थे कि देखिए वहां पे ये व्यवस्था की जा रही है आप इसका पालन करिए, लॉकडाउन है, रात्रि को इतने बजे से इतने बजे तक लॉकडाउन होना है, लोगों ने पालन किया, पर्व त्योहार में भीड़ नहीं होने देनी है, हर एक व्यक्ति ने उसको पूछा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जब पर्व त्योहार की बात आती, मैं तो गोरखपुर के अंदर होली के दिन हजारों लोगों के साथ नरसिंह भगवान की यात्रा में मैं तो शामिल होने वाला व्यक्ति हूं, पर्व त्योहार के प्रति जो
लेकिन जहां पे एक एक जान कीमती हो वहां पर उस देर के लिए आस्था को हम विराम दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोगों को बार बार आह्वान करना पड़ा, लोग मानते गए और फिर बाजार हम धीरे धीरे खोलते गए। आपने देखा होगा बाजार साप्ताहिक पहले खुले, फिर 3 दिन के अंदर 3 दिन खोलने की व्यवस्था हुई, फिर 5 दिन हुई, फिर 6 दिन हुई, और अब तो 7 दिन बाजार खुल रहे हैं, पूरे दिन भर खुल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, हर एक चीज अपने उसमें रूटीन उसमें आ गई। लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। हम व्यवस्था कराएंगे, हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को एक से मिलने जा रहा है, एक सपना में उपलब्धि होती है। 1990 में बंद हो चुका फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से एक नए स्वरूप में हम लोग लेके आ रहे हैं। गोरखपुर के विकास का एक नया प्रतीक बनने जा रहा है। पिपराइच में चीनी मिल बंद हो चुकी थी, पिछली सरकार इसको बेच चुकी थी, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामले का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन हमने उसी के पास बगल में एक अन्य जगह पर चीनी मिल स्थापित करके उसको चलाने की कार्रवाई, पहले कुल वहां पे 1200 क्विंटल चीनी की पेराई होती थी, इस समय 50,000 क्विंटल चीनी की पेराई प्रतिदिन हो रही है उस चीनी में, और गन्ना मूल्य का भुगतान हर महीने करने की स्थिति वहां पर आई है। फाइन शुगर वहां पे बनाने की कार्रवाई होने जा रही है। दुनिया के अंदर हर प्रतिष्ठित संस्थाओं में जितना फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियां जो दवा बनाती है उन सब में यहां प्राइस की चीनी जाएगी, ये कार्य यहां पर हो रहा है। यानी हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास, और ये प्रयास इसलिए क्योंकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके बीच में रह करके, गोरखपुर में रह करके, आपके बीच रह करके, संघर्ष करके, गोरखपुर के हितों के बारे में नजदीक से जानने, सीखने, समझने और फिर उसको आगे बढ़ाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि उसका पूरा प्रदेश उसको नजीर के रूप में लेकर के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को ये रहता होगा कि हम गोरखपुर का विकास केवल एक तरफा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा है ऐसे ही विकास हम लोग हर एक जगह का कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर 7-7 नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, और मान करिए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दे रहे हैं, आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में दे रहे हैं, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में भी 3 नए विश्वविद्यालय हम दे रहे हैं, 9 यूनिवर्सिटी हम प्रयागराज में दे रहे हैं। एक एक कार्य को जोड़ने का कार्य हो रहा है, और हर एक आयोजन को, हर सिटी की कायाकल्प करने का, प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से काशी का पूरी कायाकल्प हुई, कुंभ के अवसर पर प्रयागराज का कायाकल्प हुआ, लखनऊ के अंदर विकास की प्रक्रिया को उसी स्फूर्ति और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, आगरा कानपुर में मेट्रो के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, और गोरखपुर में भी युद्ध स्तर पर विकास की प्रक्रियाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी वंचित नहीं, कोई भी सड़क नहीं, राज्य वही, तंत्र वही, संसाधन वही, केवल सरकारें बदली हैं, कार्य की सोच बदल गई है। आज लोग, दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित है। क्यों? क्यों से मालूम है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी, उसको एक विश्वास है। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई में मुझे नगर निगम लखनऊ के बॉन्ड जारी करने थे, और बॉन्ड जारी करके उस पैसे को फिर हम विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, विकास की संस्थाओं को हम जवाबदेही के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गया, तो मैंने कहा जब यहां आया हूं तो अलग अलग सेक्टर के जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करूंगा। यहां के सांसद रवि किशन जी भी पहुंचे थे वहां पे, उन्होंने देखा कितना उत्साह था हर तबके के लोगों में, क्या उद्योगपति, क्या वहां का व्यवसायी, क्या वहां का यूथ, क्या वहां का फिल्म से जुड़ा हुआ हर एक सेक्टर का प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो,
या फिर वहां का एक्टर हो, जो भी हो, हर एक तबके का व्यक्ति एक नए उत्साह के साथ सामने आ रहा था, कह रहा था कि सब हम चाहते हैं यूपी में आना। वो इस बात को कह रहे थे। मैंने कहा यूपी के बारे में आपको कैसी जानकारी है? उन्होंने कहा साहब यूपी व्यापक परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, सुरक्षा का एक माहौल बना है। उसमें से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। मेरे साहब अब जब हम अपने गाँव जाते हैं, अपने जनपद में जाते हैं, अपने नगर में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो परिवर्तन हमें दिखाई देता है। मुझे वहां पे एक फिल्म, वहां पे फिल्म मेकर भी उसमें जो काम करता है प्रोड्यूसर, वो मुझे वहां मिला। उसने कहा मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ। मैं एक दिन आया, देर हो गई, रात्रि में अपनी कार से जा रहा था मुजफ्फरनगर में करौन किराना के पास। मैंने देखा कि एक माँ और एक बेटी रात्रि में 12 बजे पैदल पैदल चल रही थी। मुझे शक हुआ, फिर मैंने गाड़ी रोक के उनसे पूछा, मैंने कहा इसे रात्रि में कहाँ आप जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब कोई एक जरूरी काम से रेलवे स्टेशन जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे एक परिचित आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप महिला और बेटी हैं, इस रात्रि में इस किराना से तो पलायन होता है, आप रात्रि में ऐसे कैसे जा रहे हैं, आपको भय नहीं लग रहा? साहब बीते दिन की बात हो चुकी है, आज उत्तर प्रदेश में भय ना, भय देने वाले लोग स्वयं भय भी रहे उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। ये एक सोच जहां पर पैदा हो, सचमुच एक बहन और बेटी के मन में ये विश्वास जागृत हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। उसने कहा साहब मैं तो जिस यूपी के बारे में सोचता था कि नहीं जाना चाहिए, मैं आज कह रहा हूं कि मुझे यूपी में आना है अब, और मैं यूपी में ही आगे आने वाले समय सारा काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं रात उस दृश्य को देख के दंग था, जहां पे एक मां एक बेटी रात्रि को 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही हो, और वह उस क्षेत्र में जो इस पलायन के लिए सबसे कुख्यात क्षेत्र हो चुका हो, और वहां पर इस बात को कह रही हो। अरे साहब वो बीते दिन की बात है। और उसके बाद कहा जब मैं फिर किराना में गया कि उन्हें देखने के लिए क्या दृश्य था, उसने कहा साहब सभी व्यापारी जो पिछले 15-20 वर्षों में भाग चुके थे वापस किराना वापस आ चुके हैं, और फिर से चहल पहल वहां पर देखने को मिली है। ये है यूपी, ये उत्तर प्रदेश का दृश्य। याद करिए आज से 25-30 साल पहले गोरखपुर के बारे में लोग क्या सोचते थे, आज से 15 साल पहले भी लोगों के मन में क्या भाव थे। आज आपको परिवर्तन नजर नहीं आता, जाइए देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, एक बार बोलेंगे लोग गोरखपुर से, लोगों के भाव आपके बदलेंगे, लोग एक सम्मान के भाव से आपको देखेंगे, और इस सम्मान का भाव वही है क्योंकि जो आपने मेहनत की, जो आपका पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ के प्रति ये सम्मान का भाव है। यह अचानक नहीं है, ये वो भाव है जो गोरखपुर की सड़कों पे बिजली के लिए आप आंदोलन करते थे, बिजली 5 घंटे गोरखपुर नगर को मिलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो बिजली मिलती है ना, अब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इसी गोरखपुर में मुझे लगता है भूलिए ना इस बात को, मई में जून में हम लोग तो सड़कों पे उतरना पड़ता था, जब 3-4 घंटे बिजली मिलती थी। आज के दिन पर रोशनी हो सकती है कहीं, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये ऊपर जाल जो बिजली का पड़ा हुआ है ना, जो किसी तूफान में कभी कभी चंदन की आंधी होती है, इससे भी मुक्ति मिले, क्यों यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। उस समय 2-3 घंटे 5 घंटे के लिए रोशनी होगी, लेकिन आने वाले 50 सालों के लिए एक राहत भरा दिन होगा। और इस दृष्टि से कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं, इस सड़कें चौड़ीकरण इसलिए जिससे आपके समय की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो, भाई आपको गोरखनाथ से रेलवे स्टेशन आना है, क्यों आप 1 घंटे पहले चलेंगे, आप 15 मिनट पहले जाएंगे, 5 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इस प्रकार की सुविधाएं, आप महेश्वरा से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, क्यों आप जो है 2 घंटे पहले जाएंगे, आप आराम से
से निकले एक घंटे पहले 15 मिनट में पहुंचे आप महेश्वर से रेलवे स्टेशन पर। हम सड़क ऐसा बना करके देंगे, लेकिन एक एक व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे, किसी को उधड़ने नहीं देंगे। हमने पीएम स्वनिधि में भी प्रशासन से कहा है पटरी व्यवसायियों का भी व्यवस्थित पुनर्वास होना चाहिए और व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ उनको भी छोड़ दो। हर एक को सड़क से अतिक्रमण भी हटाएंगे, लेकिन एक एक पटरी व्यवसायी का व्यवस्थित पुनर्वास भी करेंगे। उसको बैंक से लोन भी दिलाएंगे, सस्ते दाम पर लोन भी दिलाएंगे और सब्सिडी का नाम भी उसके खाते में सीधे दिलवाने का काम करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली होनी चाहिए। ये सभी लोग जब मिलते हैं तब विकास आगे बढ़ता है। विकास केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, सबके बारे में समग्र सोच के साथ आगे बढ़ने से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। आज इसीलिए यहाँ पर कितने कार्यक्रम हो रहे हैं आपने देखा होगा, इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इन योजनाओं में सभी प्रकार की योजनाओं को हम लोगों ने इसमें यहाँ पर लेने का कार्य किया है, जिसमें रामगढ़ ताल की परियोजनाओं के सुंदरीकरण की योजना, विधायक जी कह रहे थे रामगढ़ ताल की परियोजना, और रामगढ़ ताल परियोजना नए उसके साथ आप सबको आकर्षित कर रही है। हम लोग वहां पे बहुत जल्दी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप जाइए छुट्टी के लिए, वहां पे तमाम बड़ी बड़ी नौकाएं मिलेंगी, नौकाओं में टहल करके परिवार के साथ मित्रों के साथ वहां पे प्रदूषण मत करना, प्लास्टिक मत फेंकना, गंदगी ताल में मत फेंकना, वो सब उसी स्टीमर के अंदर आपको सुविधा मिलेगी। लेकिन जाइए समय कुछ समय ऐसा भी गुजारी है जो वहां पर मैं अच्छा लगा था। सीताराम जी कह रहे थे मैं बुढ़िया माई पे आया, तो मैंने कहा हमेशा के लिए मत जाना वहां, लेकिन ये कि कभी कभी शहर के अंदर सफाई आदि के कार्य को पूरा दुरुस्त करने के बाद मूड फ्रेश होने के लिए फिर आप जाइए माई का दर्शन करके फिर आइए। ऐसे रामगढ़ ताल भी मिलेगा, अच्छी अच्छी स्टीमर वहां देंगे, लोग जाएंगे, एक नई सुविधा वाटर स्पोर्ट की सुविधा हम देने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। अब देखना कितना अच्छा वो बनेगा, गोरखपुर के बच्चों के लिए एक नया उत्साह का अवसर होगा, उनके लिए एक नए दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। चारों तरफ से बॉर्डर से पिचिंग भी कर दी गई है, अब ताल टूटेगा नहीं, ताल पे कोई कब्जा भी नहीं कर पाएगा, और नहीं तो कब्जे की सबसे बड़ी समस्या यहां पर सरकार आती थी और फिर सरकारें और नेतागण एक तरफ से कब्जे का ध्यान चलाते थे, कोई शरीफ व्यक्ति जमीन खरीदने से डरता था, पता नहीं उसकी जमीन पर कब और उनके मकान पर कब किसी पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर ले, होता था सपा बसपा के समय में यही होता था। सपा के समय में मैंने कई बार तो यहाँ के वैध कब्जे हटवाए, उनके गुंडों के द्वारा जो कब्जे होते थे, मैं कुछ था नहीं सांसद था आपकी ताकत थी, लेकिन तब भी हम लोग लड़के उनके कब्जों को हटवाते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में भी ये बलदेव प्लाजा के पीछे ही कब्जा हो गया था एक बार, और उस समय फिर मैं बाहर था, जब वापस आया तो फिर मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा कब्जा कैसे, लेकिन भाई गुंडागिरी थी, आज तो कोई गुंडा इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो उसे मालूम है कि फिर इस धरती का रास्ता तो नहीं होगा, दूसरे लोग का रास्ता जरूर रहेगा। लेकिन यह अव्यवस्था अराजकता फैलाने की चोट नहीं जा सकती है, और इसीलिए विकास की प्रक्रिया ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के जिला चिकित्सालय में एमआरआई मशीन की स्थापना का कार्य, उससे जुड़ी हुई अन्य कार्यों को, वहां पे तमाम नई ओटी के निर्माण का कार्य वहां पर हुआ है, कृषि विश्वविद्यालय अपना कृषि जो विद्यालय है चरगावा का, उसमें मल्टीपर्पज सीड स्टोर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में राज्य के बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के आधुनिकीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य को वहां पर संपन्न किया गया है। दयाड़ी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी भी तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी आज यहां पर लिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा का जो उत्तम केंद्र है जो गवर्नमेंट डीवी कॉलेज, उस कॉलेज में भी जो बुनियादी सुविधाएं सीसी रोड का है, इंटरलॉकिंग सड़क का है, राजकीय उद्यान के बाउंड्री वॉल का कार्य है, और इसी प्रकार से वो भूपदेव विद्यालय से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी यहाँ पर उनके आवासीय और अनावासीय भवनों के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर आज उसका लोकार्पण किया है।
सड़कों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की परियोजनाएं हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो मंडलीय कारागार है वहां पर पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के आप देखिए काकोली कांड के हीरो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में थे और यहीं पे उन्हें फांसी हुई थी। आप देखिए कब सी घटना 1930 की घटना और उस स्मारक को जो एक बार बना कभी कोई झांकने नहीं गया। हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर चोरी चोरा का भी आज लोकार्पण हो रहा है, जेल गोरखपुर जेल के भी इस कार्यक्रम का लोकार्पण हो रहा है और आज मैं सायकाल जा रहा हूं सहजनवा में, सहजनवा में भी डोरिया में भी एक शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक के कार्यों को भी आज हम जनता को लोकार्पित कर रहे हैं। नौजवानों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए उस भव्य स्मारक को हम समर्पित करते हुए कि हमारे क्रांतिकारियों ने और पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया था उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम जो हमें प्राप्त हुआ है यह एक शहीद स्मारक उसके बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन सभी कार्यक्रमों को हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, ये तमाम प्रकार के मार्गों के कार्यक्रम भी इसके साथ ही आज जोड़ने के साथ ही आज जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है मैं इसके लिए गोरखपुर वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूँ और आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगा एक रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़े। पैसे की विकास के लिए कोई कमी नहीं है, कमी है सकारात्मक सोच को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की और बहुत शीघ्र हम लोग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये पहले चरण में मेरा प्रयास है कि पहले चरण में हम लोग करेंगे कि प्रशासनिक सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से या भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े भी जो प्रतियोगी छात्र होंगे उनके लिए हम एक सॉफ्टवेयर विकसित करने जा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर हर मंडलीय स्तर पर पहले चरण में हम लोग करेंगे जहां निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रतियोगी छात्रों के लिए हम लोग सरकार के स्तर पर कराने जा रहे हैं और बृहद पैमाने पर कराने जा रहे हैं। किसी यूथ को उत्तर प्रदेश अपना शहर न छोड़ना पड़े और अपना प्रदेश न छोड़ना पड़े उसको यही सुविधा हम यहाँ प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं और देखना आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में मेडिकल के चाहे नीट की परीक्षा होगी आईआईटी की होगी या फिर कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं और उस बेहतरीन अवसर के लिए भी हम सबको अभी से अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर सभी परियोजनाओं को आप सभी को यहाँ पर समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये विकास के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगे, जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं इनका लाभ गोरखपुर वासी और पूर्वांचल वासी लेगा ही, लेकिन जो परियोजनाएं आज शिलान्यास हो रही है ये समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगी और इन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में यहाँ का हर नागरिक ले पाएगा इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को विकास के प्रति रुचि रखने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को इन योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए पूर्वांचल हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा विकास के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है पूर्वांचल को विकास की बहुत ज़रूरत थी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लगभग 576 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का यहाँ पर कार्यक्रम उनके द्वारा सम्पन्न हुआ है और गोरखपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश आज विकास के उन मानबिंदुओं को छू रहा है जिसको उत्तर प्रदेश की ज़रूरत थी। आज गांव में 20 घंटे 18 से 20 घंटे तहसील में 20 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली मिल रही है। हर गरीब को शौचालय आवास से परिपूर्ण किया गया और सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश
सरकार की जो नीतियां हैं गांव गरीब किसानों तक हमारी सरकार पहुंचाने का कार्य कर रही है, उसी कड़ी में विकास की उन परियोजनाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आए थे और आज वहां पर 576 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है।